अगली खबर का रुख करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेपर लीक, अब योगी सरकार रोकेगी। योगी सरकार का यह बड़ा प्लान है जहां पर परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अब बड़ा फैसला योगी सरकार की ओर से लिया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब योगी सरकार पेपर लीक रोकेगी और परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से योगी सरकार का यह प्लान है जहां पर अब योगी सरकार लगातार जो पेपर लीक हो रहे थे उसको लेकर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेपर लीक के मामलों को रोका जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। 30 मिनट पहले टीचर तय होंगे और स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज में सेंटर होंगे। तो ये बड़ा फैसला अब योगी सरकार की ओर से जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब पेपर लीक के मामलों को रोका जाएगा। तो योगी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे और इस बीच अब योगी सरकार की ओर से भी प्लान तैयार है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब योगी सरकार पेपर लीक जैसे मामलों को रोकेगी और पेपर लीक जैसे मामलों पर लगाम लगाया जाएगा। परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 30 मिनट पहले ही टीचर्स तय होंगे और साथ ही आपको बता दें कि स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज में ही सेंटर होंगे। तो 30 मिनट पहले टीचर्स तय होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेपर लीक को योगी सरकार रोकेगी। सरकार की अभेद्य रणनीति पेपर लीक पर कई नीति, अब नहीं होंगे पेपर लीक, नकल माफिया होंगे वीक। देश भर में पेपर लीक को लेकर कोहराम मचा हुआ है, छात्र आक्रोशित है, टीचर आक्रोशित है और आक्रोशित है योगी आदित्यनाथ। नकल माफिया को उनके हश्र तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। अब नकल माफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या अपराधियों के मालिक गले में तख्ती लटकाकर खुद ही नकल माफिया की मुनादी करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गड़बड़ी को रोकने के लिए योगी सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। इस कानून की जद में पेपर लीक करने वाले और साल्वर गैंग होंगे। किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी करने पर नकल माफिया पर कड़ा एक्शन होगा। आरोपियों को मिट्टी में मिलाने के लिए 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा, साथ ही आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। उत्तर प्रदेश में परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसे मामले को रोके जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पॉलिसी यानी नई नियमावली पेश की है और इस पूरी नीति को गुरुवार से जारी कर दिया गया है। लगातार आपको बताते चले कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स एक डिफिकल्ट फेज झेलते हैं, सालों की मेहनत करके एक एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करते हैं और उसमें धांधली होती है, पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो भी डाउन होता है और साथ ही जो मेहनत की गई होती है वो भी रंग नहीं लाती है, जिससे स्टूडेंट्स में काफ़ी निराशा देखने को मिलती है। तो फिर इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब नई नियमावली पेश कर रही है। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए योगी सरकार सीरियस है। इसके लिए सरकार ने एक नीति की भी घोषणा की है। हर पाली में 2 से अधिक पेपर सेट होंगे, अलग अलग एजेंसी करेंगी पेपर के प्रिंटिंग, पेपर कोडिंग की नई व्यवस्था होगी, पेपर पर यूनिक बार कोड QR कोड होंगे, सभी पेपर पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह होंगे, पेपर के हर पेज पर यूनिक नंबर होगा, पेपर की टैम्प पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी, पेपर प्रिंटिंग एजेंसी का एग्जाम कंट्रोलर व्यू करेगा, प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं, बाहरी लोगों से नहीं मिल सकेंगे प्रिंटिंग के लोग। ये तो हुई प्रिंटिंग के दौरान पेपर लीक को रोकने की व्यूह रचना। सरकार ने परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए भी मानक कड़े कर दिए हैं। बेहतर रिकॉर्ड वाले संस्थानों में ही होगा परीक्षा, वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान ही केंद्र बनाए जाएंगे, सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV लगेगा। इतना ही नहीं, रिक्रूटिंग एजेंसियों के लिए कई बड़े मानक तय किए गए हैं। 4 रिक्रूटिंग एजेंसियां कराएंगी परीक्षा, होम रीजन में होगी परीक्षा, परीक्षार्थियों को गृह मंडल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दिव्यांगों और महिलाओं को दी जाएगी रियायत, सभी परीक्षा 1 चरण में ही होंगी।
छात्रों की संख्या 4 लाख से ज्यादा होने पर 2 चरणों में होगी परीक्षा। मतलब साफ है, नकल माफियाओं पर योगी सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। अब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की समस्या का सॉलिड प्लान तैयार है। सरकार की व्यूह रचना युवाओं के लिए जरूर राहत की खबर है और नकल माफियाओं के लिए एक अल्टीमेटम। लखनऊ से निकिता सरीन के साथ न्यूज डेस्क इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और लगातार हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, ये बड़ा प्लान योगी सरकार की ओर से तैयार किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किस तरह से पेपर लीक के मामलों को रोका जाएगा? सवाल इसमें बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से लगातार तमाम सारे पेपरों में गड़बड़ी और तमाम सारे पेपर लीक मामले सामने आ रहे थे, ऐसे में योगी सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा एक नई गाइडलाइन तैयार कर ली गई, जिसमें कैबिनेट में भी मंजूरी मिलने वाली है। और आपको बता दें कि एआई के इस्तेमाल से जो जितने भी अभ्यर्थी हैं इनका मिलान किया जाएगा, और उसके बाद जो भी एग्जाम सेंटर होंगे वो 10 किलोमीटर की रेंज में स्टेशन से और बस स्टेशन से ऐसे होंगे। उसके बाद आपको बता दें कि 30 मिनट पहले तय होगा कि टीचर किस कमरे में ड्यूटी करेंगे, और उसके बाद आपको बता दें कि जो परीक्षा का जो पेपर जो सेट प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा वो दो से अधिक सेटों का तैयार किया जाएगा, उसमें अलग अलग सेट अलग अलग एजेंसियां उसको सेट करेंगे, और उसके बाद जो प्रिंटिंग प्रेस में उसकी छपाई होगी वो अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से छपाई होगी, और उसके बाद परीक्षा से पहले 5 घंटे पहले ही तय किया जाएगा कि सेट पेपर कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें हैं जिसको क्या। और उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर CCTV होंगे, उसके बाद तमाम सारी सुविधाएं होंगी। और आपको बता दें कि जो सेंटर बनाए जाएंगे उसमें अहम भूमिका ये है कि 3 साल का अनुभव, जब कम से कम 3 साल का अनुभव जिस स्कूल को होगा उस स्कूल को सेंटर बनाया जाएगा, और उसके बाद जिस स्कूल के बारे में अगर कोई विवाद है तो वो वैसे जगहों पे सेंटर नहीं बनाया जाएगा, 2 वर्गों में स्कूल और सेंटर को बांटा जाएगा। जो गाइडलाइन के 10 महत्वपूर्ण चीजें, परीक्षा केंद्र जो होगा वो बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड से 10 किलोमीटर की रेंज में होगा, परीक्षा केंद्र को 3 साल का परीक्षा का अनुभव होना चाहिए, परीक्षा केंद्र शहरी आबादी के अंदर होना चाहिए, केंद्र तक पहुंचने के लिए यातायात साधन का व्यवस्था होनी चाहिए, केंद्र पर जो परीक्षा केंद्र होगा उस पर बिजली, पानी, शौचालय, CCTV चालू होने हालात में होने चाहिए, केंद्र बनाने के लिए राजकीय कॉलेजों और राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रिंटिंग प्रेस के चयन में गोपनीयता बरती जाएगी, जहां पर पेपर की छपाई होगी या जो प्रिंटिंग प्रेस होगा उसकी गोपनीयता होगी और वो किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रेस और उसके बाद प्रेस में स्मार्टफोन व कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा, प्रेस में चारों ओर CCTV लगाया जाएगा, रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा कि जिससे कि प्रेस में जितने भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी चीजें हो रही है उस पर नजर बनाई जा सके। वही परीक्षा केंद्रों पर स्कैनिंग मतलब स्कैनिंग सिग्नेचर से मिलान किया जाएगा, फोटो का मिलान, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक चाहिए, सारी चीजें मिलान की जाएगी। लगातार जिस तरह से एग्जाम में गड़बड़ियां देखने को मिली है उसको लेकर योगी सरकार ने ये एक रोड मैप तैयार किया है, गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें कि गाइडलाइन के बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखा जा रहा है कि इस पर किस तरह से अमल किया जाएगा, कैसे होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो उत्तर प्रदेश में तमाम जो लोग जो इसके इच्छुक है, जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उसको उसके लिए अच्छी खबर है कि जिस तरह से लगातार पेपर में तमाम सारी गड़बड़ी है, यानी पेपर लीक को रोकने के लिए योगी सरकार का फुल प्रूफ प्लान जो है वो पूरी तरह से तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज जानकारी के लिए।